नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बोरिंग करते वक्त पानी की जगह से अचानक जमीन से निकलने लगी भीषण आग, जल गई मस्जिद। संवाददाता विकास कुमार बबलू की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना में कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसे देखकर सभी हैरान हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश से एक खबर सुनने को मिल रही है जिस पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है। दरअसल यहां के एक स्कूल में पानी के लिए बोरिंग की जा रही थी। बोरिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, लोग पानी निकलने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक बोरिंग किए जाने वाले स्थान से पानी की जगह आग की लपटें उठने लगी। आग इतनी तेज थी कि बोरिंग मशीन पूरी तरह से जलकर राख कर गया। एक रिपोर्ट के अनुसार पन्ना में स्थित एक माध्यमिक स्कूल झुमटा में पानी निकालने के लिए बोरिंग मशीन से खुदाई की जा रही थी। तभी अचानक बोरिंग के अंदर से पानी की जगह आग निकलने लगी। ये उस वक्त हुआ जब लगभग 50 फीट तक की बोरिंग की जा चुकी थी। यहाँ तक कि थोड़ा थोड़ा पानी निकलना शुरू हो गया था, लेकिन थोड़ी ही देर में जो हुआ उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक पानी की जगह आग की लपटें निकलने लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी बढ़ गई कि बोरिंग मशीन ही जलने लगी। किसी ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने भरसक प्रयास किया, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि स्थानीय अधिकारी ने आग में संभावित कारणों के बारे में बात करते हुए कहा कि ऐसा हो सकता है कि बोरिंग के स्थान पर नीचे कोई गैस का भंडार है, पेट्रोल डीजल जैसा पदार्थ उपलब्ध है जिसके कारण आग की लपटें निकल रही हैं। अब इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा कला गढ़वा में कक्षा नर्सरी से दसवीं तक छठ पूजा से पहले निःशुल्क एडमिशन कराएं। यहां पर बच्चों को रहने खाने एवं शिक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज।